तो फाइनली आज हम जा रहे हैं सूरत से बाहर। इतने दिनों के बाद आज तक तो इधर कोविड के वजह से घर पे ही थे, तो आज हम फ्रेंड्स सब जा रहे हैं साकरी टेंपल, जो बारडोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर या ऐसा कुछ होता है। तो अभी फटाफट से कपड़े बदलेंगे, अभी तो नाइट ड्रेस में है, एंड जल्दी जल्दी निकलेंगे। वहाँ पे ही खाएंगे पियेंगे और आपको दिखाएंगे साकरी टेम्पल। भूख लगी अभी घर से हम लोग निकल पड़े हैं साकरी टेम्पल के लिए। घर से अभी थोड़ी देर पहले निकले ही थे, तब रास्ते में आप ये देखो ढोकले का डब्बा खुल गया है, ढोकला खाने लगे हैं। ये सूरत जू के पास हम अभी जा रहे हैं। अभी हाईवे पे चढ़ेंगे और बाद में सीधा नेशनल हाईवे टच करेंगे। अभी हम ये हाईवे पे रुके हैं खाने के लिए। घर से निकले थे और कुछ खाया नहीं है, तो निकले हैं और हम लोग आए इधर हरे कृष्ण रेस्टोरेंट। आपको दिख रहा होगा ये पीछे, और यहाँ पे खाने के बाद हम आगे जाएंगे। ये सब पनीर की सब्जी है, ये उसका प्राइस है सब। ये काजू की सब्जी है और इसके ये सब प्राइजेस है। ये दाल है सब, दाल फ्राई 60 रुपये, दाल फ्राई तड़का 80 रुपीज। ये सब राइस है, जीरा राइस 50, वेज पुलाव 120, वेज बिरयानी 125, ये बिवरेजेस है छाछ 15 रुपये, कोल्ड ड्रिंक्स 20 रुपये, और ये समोसे है चूरमा लाडू चीज। ये सब वेजिटेबल्स सब्जी है, चना मसाला 90 रुपीज, प्याज कड़ा 90 रुपीज, गुजराती थाली है। इसमें 3 सब्जी मिलेगी, 4 रोटी मिलेगी, दाल भात मिलेगा, 1 छाछ, पापड़ और सलाद 120 रुपये, और ये पंजाबी थाली है 140 में। खाना हो गया है हरी कृष्ण रेस्टोरेंट में। 8 लोगों का बिल आया है 870, सो पर हेड अराउंड 120 कुछ आया है, तो रीजनेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। ये कामरे चौकड़ी पहुंच गए और ये जो लेफ्ट साइड जाता है वो सीधा अहमदाबाद जाता है, राइट साइड मुंबई से आता है, और हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं। पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मंजिल ले चले। वो रोड जाता है साकरी बारडोली के नजदीक। पे बीच में बारडोली के पास सबको श्रीखंड खाना था, तो अभी सुमूल का श्रीखंड लेके फिर वापस गाड़ी में जा रहे हैं। सब लोग श्रीखंड खाते खाते हुए साकरी टेंपल जा रहे हैं। लो मित्रों, इलायची फ्लेवर। आप अगर गुजरात में हो और सुमूल ब्रांड आपको पता है,
तो उसका इलायची फ्लेवर का श्रीखंड जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी 3:15 बजे है और अभी मंदिर अभी खुला नहीं है, तो एक घंटे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आए इधर नहर पे, देख सकते हो बहुत बड़ा पानी है, पूरा छलो छल भरा हुआ है। थोड़े टाइम यहाँ पे समय बिताएंगे और बाद में मंदिर जाएंगे। मंदिर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जाने के बाद वो चलते चलते यहाँ से जाएंगे। ये देखो पूरा नज़ारा, देखो आजू बाजू में सब खेतर है और ये नहर जा रही है।